सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग आज, जैसा कि आप जानते होंगे, गोल्डन रूल पढ़ रहे हैं दोस्तों। और गोल्डन रूल में मैंने कहा कि केवल 50 रूल है और आप ये 50 रूल पढ़ लीजिए। और 50 रूल में ये जान लीजिएगा कि आपको कॉमन एरर में कहीं दिक्कत नहीं होगी, फिलिंग द ब्लैंक्स में कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये अर्थात 3 से 4 क्वेश्चन आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के मिलते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आपको कॉमन एरर के मिलते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन। अगर आप ये 50 गोल्डन रूल दोस्तों देख लेते हैं तो आपको 5 नंबर के लिए कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं कल छोड़ा था, मैंने कहा कि आप लोग कमेंट करिएगा, किसी बच्चे ने कमेंट नहीं किया, तो एक बार जल्दी से आप शेयर करिए दोस्तों, एक बार जल्दी से शेयर करिए। और आज हम लोग उसी के आगे चर्चा करेंगे। देखिए, आपकी 2 क्लास चल रही है, एक आपको वोकैब मिल रही है दोस्तों, एक आपको वोकैब मिल रही है और एक आपको गोल्डन रूल मिल रहा है। तो आप ये दोनों क्लास देख लीजिएगा दोस्तों, दोनों क्लास देख लीजिएगा। उसका मैंने पासवर्ड नहीं बताया जो पिछली क्लास थी, अर्थात जो आपका वोकैब है दोस्तों, वोकैब जो है, वोकैब का पासवर्ड लिख लीजिएगा, वोकैब का पासवर्ड लिख लीजिएगा दोस्तों। वोकैब का पासवर्ड है इसको, ये नहीं है, वोकैब का पासवर्ड है दोस्तों 4455। जी हाँ दोस्तों, वोकैब का जो पासवर्ड है दोस्तों 4455 है, लिख लीजिएगा। वोकैब का पासवर्ड दोस्तों 4455 है, लिख लीजिएगा। ठीक, क्या है दोस्तों, 4455 वोकैब का पासवर्ड है ये। वोकैब वाली जो क्लास चली है दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको दे दी गई है, इसका पासवर्ड है 4455। और जो गोल्डन रूल वाला है, इसका पासवर्ड मैं अभी बताऊंगा कुछ देर में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले ये जो कल हमने दिया था आप लोग को करने के लिए, आप लोग नहीं किए दोस्तों, तो आज चलिए इस पर पहले चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर आपको आगे बताते हैं। तो जैसे पहला लिखा है द इंटेलिजेंट वेरी लेबरस एंड हार्ड वर्किंग। तो देखिए, जो इंटेलिजेंट बुद्धिमान होते हैं, तो इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। अब यहाँ पर क्या लगेगा दोस्तों, आर लगेगा, इज लगेगा, वाज लगेगा, हैज बीन लगेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, द इंटेलिजेंट आर वेरी लेबरस एंड हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वहीं आगे देखिए, आई हैव नेवर दिस टाइप ऑफ मिस्टेक। तो मैंने इस तरह की मिस्टेक कभी नहीं की दोस्तों, अर्थात मैं आई हैव नेवर डन आर विल नॉट डू, मतलब मैंने कहा दोस्तों जब भी 2 हेल्पिंग वर्ब रहे तो जो वर्ब रहेगी आपकी दोनों के साथ आएगी, अर्थात डू जो है देखिए विल के साथ फर्स्ट फॉर्म में और डन जो है हैव के साथ थर्ड फॉर्म में, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, ये सारा रूल दोस्तों हमने कल बताया था, अगर कल वाली क्लास आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आगे देखिए, आई माई ऑप्शन बिफोर आई मेक ए डिसीजन। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए आई माई ऑप्शन बिफोर, अब मैंने कहा दोस्तों कि अगर आपको बिफोर मिल जाए, अगर आपको बिफोर मिल जाए तो बिफोर का मतलब होता है दोस्तों पहले, अर्थात पहले वाला जो टेंस रहेगा दोस्तों, पहले वाला जो टेंस रहेगा वो आपका प्रेजेंट में रहेगा, अर्थात कंसीडर है। तो आई कंसीडर्स माई ऑप्शन बिफोर आई मेक ए डिसीजन। जी हाँ दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, कंसीडर हो जाएगा। आगे देखिए, दिस रिपोर्ट मल्टीपल साइट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो दिस रिपोर्ट इन्वॉल्व्स हो जाएगा, क्योंकि इन्वॉल्व का प्रयोग दोस्तों ing के फॉर्म में नहीं किया जाता, तो इसलिए इन्वॉल्व हो जाएगा। वहीं आगे देखिए, अगला वर्ड लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, अगला वर्ड याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको आइदर आर नाइदर नार नॉट ओनली डा डट बट आल्सो, अगर ये सब मिल जाए दोस्तों तो याद रखिएगा कि इसके सबके साथ अगर नाइदर नार मिल जाए, आइदर और मिल जाए, आइज डाट आइज मिल जाए, अगर ये सब मिल जाए दोस्तों तो इसमें जो नज़दीक वाला रहेगा उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ड लगती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर है हिज सिस्टर, हिज सिस्टर्स, और इसका मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पर पास्ट में है, क्या है दोस्तों यहाँ पर पास्ट में है, तो यहाँ भी पास्ट फॉर्म रहेगा, यहाँ भी पास्ट फॉर्म रहेगा, तो पास्ट फॉर्म में क्या मिलेगा आपको, कुड मिलेगा दोस्तों। इज आपका होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सिस्टर्स है, बहुवचन होना चाहिए। अंडरस्टैंड्स होगा नहीं, क्योंकि यहाँ सिस्टर है, बहुवचन होना चाहिए। और कैन बी अंडरस्टूड होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है, तो इसलिए कुड अंडरस्टैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। तो ये 5 वर्ड हमने बताए दोस्तों जो कल आपको होमवर्क में दिए थे। आज आगे चलते हैं रूल नंबर 11 पे दोस्तों, क्या कह रहा है सुनिएगा। रूल नंबर 11 कह रहा है दोस्तों, लिखा हुआ है, एक मिनट रुकिएगा,
ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा दोस्तों क्या कह रहा है रूल नंबर 11, देखिएगा दोस्तों। कह रहा है कि ए नंबर ऑफ, चाहे आपको ए नंबर ऑफ मिल जाए, चाहे आपको द नंबर ऑफ मिल जाए, और एक और है आपको भी आगे बताता हूँ दोस्तों। ए नंबर ऑफ अगर मिल जाएगा तो इसके साथ, इसका मतलब होता है ढेर सारा या बहुत संख्या में, या ए लार्ज नंबर ऑफ, जब भी यह आ जाएगा या किसी सब्जेक्ट या वाक्य, वाक्य का सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ हमेशा प्लूरल का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अगर ए नंबर ऑफ मिल जाए दोस्तों, मतलब क्या हुआ देखिएगा, जैसे नीचे लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस, मतलब बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे राजनेता। ए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट। या ए नंबर ऑफ बुक कर दिया जाए दोस्तों, ए नंबर ऑफ बुक कर दिया जाए दोस्तों, ए नंबर ऑफ बुक्स कर दिया जाए, तो इसका मतलब बहुत सारी किताबें दोस्तों। अर्थात अगर आपको ए नंबर ऑफ मिल जाए तो ए नंबर ऑफ का मतलब जान लीजिएगा कि बहुवचन होता है, तो इसके साथ हमेशा बहुवचन आता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हैज बीन है, अर्थात हैज बीन नहीं होगा, हैव बीन होगा। उसी तरह दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा है, इज बीइंग लिखा है, तो इज बीइंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर बींग हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने कहा कि बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, मैं पूरा आपको दूंगा और वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो बार बार पूछी जाती हैं। आगे देखिए द नंबर ऑफ, अगर दोस्तों द नंबर ऑफ मिल जाए तो इसका मतलब होता है किस संख्या, जैसे द नंबर ऑफ बुक्स, किताबों की संख्या इन द लाइब्रेरी, मेरी लाइब्रेरी में। तो दोस्तों द नंबर ऑफ के साथ हमेशा एक वचन का प्रयोग करते हैं और ए नंबर ऑफ के साथ हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। दो चीज़ हमने बताया, एक बताया ए नंबर ऑफ, एक बताया द नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ के साथ बहुवचन और द नंबर ऑफ के साथ एक वचन। तो देखिए द नंबर ऑफ बुक्स इन माई लाइब्रेरी आर 600, तो दोस्तों आर है इसलिए आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। वहीं देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सीम टू वेरी फ्रॉम बेंच टू बेंच, तो देखिए दोस्तों सीम लिखा हुआ है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, और ये जान रहे हैं दोस्तों इनडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में एक वचन में दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगता है, अर्थात ये सीम नहीं होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सीम्स हो जाएगा। आगे वहीं आगे चर्चा करें दोस्तों, रूल नंबर 12 पे चर्चा करें, तो सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। समवन, एनी वन, सम बॉडी, एनी बॉडी, नो वन, नो बॉडी, एवरी वन, एनी, एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, नन, जब ये मिल जाए दोस्तों तो इसके साथ हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, याद रखिएगा। इसमें से कोई भी मिल जाएगा दोस्तों, इसमें से कोई भी मिल जाएगा तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, याद रखिएगा। इसके साथ हमेशा क्या आती है दोस्तों, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो देखिए दोस्तों, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, इसका मैंने कल भी एक रूल बताया था दोस्तों, अगर आपको ईच मिल जाएगा तो इसके साथ सिंगुलर मिलेगा का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे देखिए दोस्तों हैव है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, नीचे वाला देखिए हैज होगा। वहीं ईच ऑफ देम, उनमें से एक, ईच का मतलब प्रत्येक होता है दोस्तों, प्रत्येक होता है, ईच का मतलब प्रत्येक। तो ईच ऑफ देम वांट टू वर्क विथ यू, तो वांट है दोस्तों और एक वचन में वांट्स, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगता है, इसलिए वांट नहीं होगा, वांट्स हो जाएगा। आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ मतलब कि, आइदर ऑफ मतलब कि उनमें से एक, ठीक, नाइदर ऑफ उनमें से एक भी नहीं, तो ये सब है दोस्तों, तो आइदर ऑफ टू गर्ल्स हैज हो जाएगा। वहीं देखिए दोस्तों, नाइदर के साथ भी क्या हो जाएगा, सीम्स हो जाएगा, अर्थात एक वचन के साथ, इसमें से दोस्तों कोई भी मिल जाएगा, इनके सबके साथ दोस्तों क्या लगेगा, एक वचन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अगले अगर रूल की बात करें दोस्तों, रूल नंबर 13 की बात करें, देखिएगा ए फ्यू ऑफ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पूछा जाता है दोस्तों, ए फ्यू ऑफ, All of, several of, plenty of, some of, rise of, a lot of, lots of, a number of, a large, great, a big number of, इसके सबके साथ दोस्तों प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन मतलब क्या हुआ, इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन रहता है, और जब प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगेगी, अर्थात बहुवचन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। बहुवचन का मतलब क्या हो गया, देखिए, सेवरल ऑफ द बॉयज आर कमिंग हियर, सेवरल ऑफ द बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के, आर कमिंग हियर मतलब यहाँ आ रहे हैं, जब बहुत सारे आ रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे अर्थात एक से ज़्यादा हैं, दो से ज़्यादा हैं, तो मैंने कहा दोस्तों कि जब ज़्यादा रहेंगे तो उसके साथ बहुवचन लगता ही है। उसी तरह देखिए, मेनी ऑफ चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे, हैव गॉन, जा चुके हैं, देखिए दोस्तों इसके साथ भी क्या लगा, हैव लगा। ए नंबर ऑफ पर्संस, बहुत सारे लोग, आर कमिंग टूडे, तो आर का प्रयोग किया गया। तो मैंने बताया दोस्तों, इनके सबके साथ बहुवचन का प्रयोग करते
हैं दोस्तों। वहीं अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने कहा कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास से ही दोस्तों आपको मैक्सिमम रूल मिल जाएगा, जो मैक्सिमम पूछा गया है आज तक जितना भी पूछा गया दोस्तों आज की क्लास में, वो सारी चीज़ें मैंने बता दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों अगला है, ए लिटिल ऑफ, मच ऑफ, ऑल ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, रेस्ट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील, ए लार्ज, ग्रेट अमाउंट, सिंगुलर नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। मतलब अनकाउंटेबल मतलब जिसे गिना ना जा सके दोस्तों, अगर गिना जा सकेगा तो उसके साथ बहुवचन का प्रयोग करेंगे, और अगर गिना नहीं जा सकेगा तो उसके साथ एक वचन का प्रयोग करेंगे। जैसे ए लिटिल नॉलेज, बहुत कम ज्ञान। अब नॉलेज क्या ज्ञान को गिन सकते हो क्या, कि आपके पास एक ज्ञान है, मेरे पास दो ज्ञान है, उनके पास तीन ज्ञान है, क्या ज्ञान को कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता दोस्तों, तो इसलिए इज लगेगा। वहीं सम ऑफ द सुगर, चीनी, कुछ चीनी, इज डर्टी, गंदी है, तो क्या चीनी को गिन सकते हो क्या? कुछ लोग सोच रहे होंगे हाँ सर जी हम गिन सकी थी, ओके दाना, तो दोस्तों वो बात अलग है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन गिना नहीं जा सकता, अर्थात वो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ऑल द मनी इज स्पेंट, सभी पैसे खर्च कर दिए गए। तो आगे देखते हैं दोस्तों अगला रूल, रूल नंबर 15 दोस्तों, और रूल नंबर 15 के पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो पासवर्ड है दोस्तों, इसका जो पासवर्ड है दोस्तों वो है 8899। जी हाँ दोस्तों, इसका जो पासवर्ड है दोस्तों वो है 8899। जी हाँ, 8899 इसका पासवर्ड है दोस्तों, ठीक, लिख लीजिएगा आप, इसकी पीडीएफ आपको दे दी गई है। आगे देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों द नंबर ऑफ, क्या कह रहा है सुनिएगा दोस्तों, लिखा है द नंबर ऑफ, द वेराइटी ऑफ, ये प्लूरल नाउन अगर इसके साथ है तो वर्ब जो होती है वो सिंगुलर वर्ब होती है, जैसे ए नंबर ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें, हैज बीन, क्या है दोस्तों, हैज बीन, एक मिनट रुक जाइएगा, देखिए द नंबर ऑफ बुक्स हैज बीन बॉट, मतलब बहुत सारी किताबें खरीदी गई, द वेराइटी ऑफ दीज स्पीसीज इज वेरी गुड, इस स्पीसीज की वेराइटी बहुत अच्छी है। तो चलिए दोस्तों स्पेलिंग एरर पे चलते हैं, अच्छा स्पॉटिंग एरर मतलब कॉमन एरर पर चलते हैं। पहला, माई ब्रदर टूगेदर विथ हिज फ्रेंड्स हैव डन दियर बेस्ट टू गेट दिस जॉब। माई ब्रदर टूगेदर विथ हिज फ्रेंड्स, तो मैंने कहा दोस्तों माई ब्रदर टूगेदर विथ हिज फ्रेंड्स, मेरा भाई अपने मित्र के साथ, तो माई ब्रदर मैंने कहा दोस्तों अगर इस तरह जुड़ा हो, टूगेदर विथ से जुड़ा हो, एलॉन्ग विथ से जुड़ा हो, अगर इससे जुड़ा हो दोस्तों तो इसमें पहले वाले के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो यहाँ पर माई ब्रदर है तो इसलिए हैव नहीं होगा, हैज होगा, तो जो एरर है दोस्तों बी पार्ट में एरर है। दूसरे में आप लोग बताइए दोस्तों, दूसरे में क्या एरर है आप लोग बताइए कि दूसरे में क्या एरर होगा, दूसरे वाक्य में क्या एरर होगा आप लोग बताइए। ए नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस चैलेंज कॉन्टेस्ट, ये आप बताइएगा दूसरा दोस्तों, ऑफलाइन कमेंट करिएगा, और तीसरा भी ऑफलाइन कमेंट करिएगा। ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रियस वर्कर हैव बीन सेंट टू द फैक्ट्री टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो दोस्तों ये दूसरा और तीसरा ये आप बताइएगा, मैं देखता हूँ कौन बच्चा सही जवाब देता है दोस्तों। तो पासवर्ड मैंने बता दिया दोस्तों, और लगातार मैंने कहा दोस्तों ये देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य के भी ये प्रश्न चलने हैं दोस्तों, ये भी क्लास एक दिन चलेगी आपकी, देखिए इसको कौन पढ़ाता है दोस्तों, या तो विवेक सर पढ़ाएंगे या तो अनुज सर पढ़ाएंगे, दो में से कोई एक पढ़ाएगा दोस्तों। तो मैंने कहा दोस्तों सारी चीज़ें, और वहीं ग्रुप आई की जो रागा की क्लास है वो भी चल रही है आपकी, तो लगातार आपके लिए जो है डेली क्लासेस दी जा रही हैं दोस्तों, आप लोग पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेते रहिए। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, एक बार सब लोग जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार जय हिंद लिखिए, और अपनी संख्या मेंटेन करिए दोस्तों, अपनी संख्या मेंटेन करिए, ठीक, तो ताकि हमको भी पढ़ाने में मज़ा आए, जब आपकी संख्या मेंटेन हो जाएगी दोस्तों तो बोर्ड पर मैं भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।